क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई रेसिप्रोकल्स आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। देखेंगे ये जो आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स इसका उल्टा करेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या आपका होल नंबर है। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट आपका सॉल्व करता हूं। तो 3/7 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आपका हुआ 7/3। ठीक है, 7/3 क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर वो होगा जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो ये आपका होता है प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर लार्ज होता है, मींस बड़ा होता है कंपेयर देन डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही है। और होल नंबर क्या होगा, होल नंबर वो होगा कि p अपॉन q के फॉर्म में होगा, इसका q इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा, होल नंबर क्या होगा, p बाई q के फॉर्म में होगा ना, तो q इक्वल टू 1 होगा, q इक्वल टू 1 होगा, वो आपका होल नंबर होगा, और ये आपका पॉजिटिव में होना चाहिए क्या p, हालांकि पॉजिटिव में तो सभी हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो देखेंगे ऊपर वाला आपका लार्ज है और नीचे वाला स्मॉल है, तो ये आपका होगा क्या, इम्प्रॉपर, या हम लोगेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने नहीं लिखा यहां पर, स्पेस नहीं है, इस वजह से। यहां पर देखो 5/8 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 8/5, फिर से आपका आ गया बड़ा, फिर से बड़ा आ गया, तो ये भी आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं, 9/7 है ना, तो ये आपका आएगा 7/9। अब इसमें देखेंगे ये स्मॉल है, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए फोर्थ वाला हम लोग चेक करेंगे, तो 6/5 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 5/6। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल है ऊपर वाला, तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। 12/7 है ना, तो इसको हम लोग करेंगे 7/12, 7/12 है, तो ऊपर वाला छोटा है, तो फिर से ये बनेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका देखेंगे 1/8 है, तो इसका बनेगा 8/1, 8/1 कह लीजिए, सिर्फ 8 कह लीजिए, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो 6 आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं देखूंगा एक क्वेश्चन आपका लास्ट है 7th वाला, इसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। सेवेंथ आपका है 1/11, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 11/1। ठीक है, मींस आपका 11, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो गए हैं। देखिए जो आपका इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर, उसका हम लोग क्या करते हैं, मिक्स नंबर बना देते हैं। देखिए इसका मिक्स नंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये छोटा है, तो डिवाइड होगा ही नहीं आपका, तो इसमें तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर, क्योंकि मिक्स उसी का बनता है जिसकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, ऑल द बेस्ट।